नमस्कार, दी ललन टॉप देख रहे हैं आप और मैं गरिमा। गेम ऑफ थ्रोन्स सीजन 6 एपिसोड 9। विंटरफेल पर कब्जे के लिए जॉन स्नो और रैमजी बोल्टन की सेनाएं भिड़ी पड़ी थी। जॉन स्नो की सेना धीरे धीरे पिछड़ते हुए लगभग उम्मीद हार चुकी थी। वो बस किसी तरह जान बचाना चाहते थे और बोल्टन को जीत साफ दिख रही थी। लेकिन तभी तुरही बजी और नाइट्स ऑफ वेल के साथ सीन में एंट्री हुई सांसा स्टार्क और पीटर बेलिश की। जॉन स्नो एंड कंपनी को नया जोश मिला और उन्होंने ये लड़ाई जीत ली। अब आप कहेंगे कि ये काल्पनिक चीज थी, जो राइटर डायरेक्टर चाहेंगे वही होना था। लेकिन क्या हो अगर हम आपको बताएं कि बिना स्क्रिप्ट भी ऐसा हो चुका है और बहुत पुरानी बात भी नहीं है। 16 अगस्त 2021 की शाम को ही भारत ने ये सच होते देखा। लॉर्ड्स टेस्ट का 5वां दिन, ऋषभ पंत यानी पीटर बेलिश की बातों को दिल की गहराई तक उतार चुके हमारे विकेट कीपर। अब कौन सी बात पर अटके हैं, तो याद करिए जब जॉफ्री की मौत के बाद नाव पर चढ़ते हुए लिटिल फिंगर उर्फ बेलिश ने कहा था, केओस इज लैडर, यानी उथल पुथल सीढ़ी है। पंत भाई वही तो करते हैं ना, आएंगे तो या तो फील्डिंग पक्ष में उथल पुथल मचेगी या भारतीय फैंस में, लेकिन एक बात तय है, उथल पुथल मचेगी। और लॉर्ड्स में 5वें दिन लोगों को उनसे फिर यही उम्मीद थी। पंत ने एंडरसन की गेंद पर आगे बढ़कर एक्स्ट्रा कवर्स में एक चौका भी जड़ा, लेकिन ये चौका लिटिल फिंगर द्वारा स्टार्क सीनियर को दिए गए वादे जैसा निकला। पंत जल्दी ही आउट हो गए और फिर ईशांत शर्मा भी कुछ रन बनाकर लौट गए। अब क्रीज पर थे भारतीय टीम के नंबर 9 और नंबर 10 मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह, यानी अब टॉर्मेंट पिट रहे थे। जॉन स्नो लोगों की भीड़ में दब चुके थे और बुनबुन द जॉइंट घायल था। और ऐसे माहौल में बोल्टन की सेना, बोले तो जो रूट एंड कंपनी को खुश होना ही था, लेकिन उन्हें शायद ही पता था कि ये आम सैनिक नहीं, नाइट्स ऑफ वेल हैं। और फक्कर लोग भले कहे कि मजा तो अनजान रहने में ही है, लेकिन असल जिंदगी में जानकारी बहुत जरूरी है, क्योंकि जानकारी का अभाव आपको ले डूबता है। और रूट के साथ यही हो गया, उन्होंने अनजाने जैसी हरकत की और बुमराह और शमी ने इंग्लैंड को डुबो दिया। 9वें विकेट के लिए 89 रन जोड़ शमी और बुमराह ने एक बात तय कर दी कि इस मैच में भारत हार नहीं सकता। दोनों ने पूरी अथॉरिटी के साथ बैटिंग करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर धुना, फिर चाहे वो एंडरसन हो, रॉबिन्सन हो, वुड हो या फिर मोइन अली। शमी ने तो अली की गेंद को दौड़ाकर लंबा छक्का मार अपना 50 ही पूरा किया। इस जोड़ी ने पूरे 20 ओवर्स बैटिंग की और इस दौरान एक आध मौकों को छोड़ दे तो कभी ऐसा नहीं लगा कि इनका मुख्य काम बॉलिंग करना है। और इस जोड़ी में शामिल बुमराह के नाम टेस्ट में रनों से ज्यादा विकेट हैं। दोनों ने हर तरह के शॉट्स खेले, टांग निकालकर डिफेंड भी किया और लार टपकाने वाली कवर ड्राइव्स भी खेली। बाउंसर से चोट लगी तो भी नहीं डिगे और ना ही अंग्रेजों की छींटाकशी इन पर असर डाल पाई। दोनों ने पूरा माहौल ही बदल दिया, ड्रेसिंग रूम से लेकर सोशल मीडिया तक अपने मुख्य बॉलर्स की बैटिंग पर खुश था। बताइए भला ऐसा रोज रोज होता है क्या? वैसे रोज रोज तो नाइट्स ऑफ वेल किसी को बचाने भी नहीं आते। इस वीडियो के लिए रिसर्च की है सूरज ने। आप देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।